रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द ग्रोइंग लाइफ पे। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज है 22 जनवरी, तो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आज का दिन हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए और भारतवर्ष ही क्या पूरे विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन 500 वर्ष बाद हमारे प्रभु श्री राम अपनी अयोध्या नगरी में विराजमान हुए हैं। तो मेरे लिए तो यार ये दिन बहुत ही खुशियों से भरा है, और आप लोग भी अपने घर में अपने पास के मंदिरों में खुशियाँ मना रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग यात्रा निकाल के मना रहे होंगे। तो ऐसे ही मैं आज आपको अपने दिल्ली शहर के एक प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ, और कुछ आपको अपने मोहल्ले की झलकियाँ भी दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए चलते सीधा प्राचीन हनुमान मंदिर आइए। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं कनॉट प्लेस, और मेरे साथ आया है मेरा दोस्त पवन। अब हम दोनों जा रहे हैं ऊपर प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं कनॉट प्लेस का प्रसिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर, और आप देखिए यहाँ पर भक्तगणों की संख्या कितनी ज़्यादा है, कि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग कितने सारे हैं। आज सभी एक प्रत्येक मनुष्य खुश होगा भारतवर्ष का कि प्रभु श्री राम उनके अयोध्या में विराज रहे हैं। सब अपने अपने मंदिरों में अलग अलग जगह पर ये जश्न मना रहे होंगे, उत्सव मना रहे होंगे। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर भी कितने भक्तगण आए हुए हैं प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ, पूरा प्रांगण मंदिर का भक्तों से भरा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर के पास, और आपको दिखाता हूँ मंदिर की सजावट। दोस्तों मैं प्राचीन हनुमान मंदिर के बिल्कुल निकट आ चुका हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन लगी हुई है भक्तगणों की, और ऊपर आप लाइटें देखिए कितनी प्यारी चमक रही हैं। रात को तो ये और ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनिंग भी लगाई गई है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ दर्शन करने के लिए, आइए। दोस्तों जूता घर में अपनी चप्पल उतारने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर के अंदर की तरफ। आप देख सकते हो यार, और प्रभु श्री राम की कृपा से जो लाइन भरी हुई थी अब वो बिल्कुल खाली हो गई है। मन में आस्था होनी चाहिए, प्रभु श्री राम सारे रास्ते खोल देते हैं। और दोस्तों सच कहूँ तो यार, जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्तगणों की संख्या थी, मतलब मंदिर की लाइन में बहुत ज़्यादा भक्तगण लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही मैं जूता घर से चप्पलें उतार के आया अपनी वहाँ पर, और जब मैं लाइन में लगा तो लाइन मिल गई। कहते हैं ना कि दिल में आस्था होनी चाहिए, प्रभु आपके हर द्वार खोल देते हैं। तो आप देख सकते हो ये है मुख्य द्वार प्राचीन हनुमान मंदिर का, जहाँ से एंट्री होती है, और इसकी साइड वाली लाइन से लोग बाहर की तरफ निकलते हैं मंदिर से। दोस्तों हम लोग आ गए हैं मंदिर में ऊपर की तरफ, और आप लाइटिंग देख सकते हो, और पवन के चेहरे की मुस्कान देखिए। दोस्तों मैं आ गया हूँ भवन के निकट, और आप देख सकते हो कितनी सुंदरता के साथ यहाँ पर सजावट की गई है, और भक्तगणों की संख्या देखिए यार कितने, मतलब लोगों के मन में एक अलग ही खुशी है, अलग ही उत्सव मनाया जा रहा है लोगों द्वारा। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर झूमर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ और दर्शन करते हैं, आइए। दोस्तों प्रभु श्री राम और बजरंगबली महाराज के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ शिवालय की तरफ। दोस्तों हम लोग आ गए हैं शिवालय की तरफ, और आप देख सकते हो शिवालय में भक्तगणों की संख्या, और भक्तों का उत्साह देखिए आप, भक्तों में कितना उत्साह है। तो दोस्तों शिवालय में दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये साइड वाई लाइन से हम लोग बाहर की तरफ निकलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं बाहर। दोस्तों आप देख सकते हो यार, राम मंदिर का लाइव टेलीकास्ट जो कि चल रहा है अयोध्या से, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को।
दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मंदिर से बाहर की तरफ और सच में यार आज मंदिर में इतना आनंद आया बहुत ही ज़्यादा, एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। तो मंदिर के पास कुछ कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको वो कार्यक्रम दिखाता हूँ, तो चलिए आइए कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं सामने की तरफ लोग कितने ज़्यादा खुश हैं प्रभु श्री राम के आने से, अलग ही नज़ारा है यहाँ का। लोग ढोल बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, इतनी खुशी से नाच रहे हैं लोग कि खुशी का ठिकाना ही नहीं है यार। सच में आज बहुत ही आनंद आ रहा है, मतलब आज का दिन सबसे आनंदमय दिन है। दोस्तों आप जो सामने मंदिर देख रहे हैं ये है शिव मंदिर, जो कि प्राचीन हनुमान मंदिर के बिल्कुल निकट है। और आप देख सकते हैं यार यहाँ पर भक्तों की मात्रा कितनी ज़्यादा है। दोस्तों आप शिव मंदिर के प्रांगण में भी देख सकते हैं कितनी सारी भक्तों की मात्रा है। आप देख सकते हैं हाथ में जय श्री राम का झंडा लिए हुए भक्तगण। दोस्तों मैं आपको लेके चल रहा हूँ कनॉट प्लेस की तरफ और आपको कनॉट प्लेस का नज़ारा दिखाता हूँ कि आज के दिन कनॉट प्लेस का क्या नज़ारा है। आप सामने देख सकते हो बाइकों पर लोग जा रहे हैं झंडे लेकर, और दोस्तों सामने आप देख सकते हो, आप सामने प्रभु श्री राम की तस्वीर देख सकते हैं, और यहाँ देखिए लोगों की कितनी ज़्यादा मात्रा है। आप देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं यार यहाँ पर। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं कि यार रात की तैयारी कितनी धूमधाम से चल रही है, लोग दीवे सजा रहे हैं, दीवों से राम नाम लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे दीवे लगाए जा रहे हैं और लोग कितनी ही श्रद्धा से, कितनी ही मन से लगा रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कुछ बहनें माताएं रंगोली बना रही हैं, और वो भी रंगोली में दीवे लगा रही हैं और दीवों में तेल भर रही हैं। आप देख सकते हो यार इससे खूबसूरत नज़ारा कहाँ ही। और दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ अपने क्षेत्र पहाड़गंज में। आप देख सकते हो हमारे पहाड़गंज में भी लाइटें लगी हुई हैं, हालांकि रात को जलेंगी, रात को इसका आनंद लेंगे इन लाइटों का भी। और आप देख सकते हो कि हर दुकान के बाहर प्रभु श्री राम के झंडे लगे हुए हैं। ये देखिए हमारे नई दिल्ली वाली रोड मेन बाज़ार की जो है सामने एकदम सजावट कर की गई, और काफ़ी सारे लोग यात्राएं भी निकाल रहे हैं, भंडारे भी कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो सामने की तरफ यार, और उसी भंडारे का आनंद लेता हुआ मेरा मित्र पवन, आप देख सकते हो यार भंडारा खाते हुए। भंडारा खाना कोई गलत बात नहीं है यार, ये प्रसाद होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया हमारे कुछ पहाड़गंज की झलकियाँ, झलक दिखाई कि हमारे कुछ पहाड़गंज में किस तरीके से राम उत्सव मनाया जा रहा है। सच कहूँ तो मेरे लिए तो आज ही दिवाली है और आज ही नया साल है, अंदर से इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि जाहिर नहीं कर पाऊँगा। और आपने लोगों को भी देखा होगा यार, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, भंडारे लगा रहे हैं, यात्राएँ निकाल रहे हैं, अलग ही खुशी है राम की, प्रभु श्री राम जी के आने की अलग ही खुशी है। और आज हमारे प्रभु श्री राम 22 जनवरी 2024 में स्थापित हुए हैं, प्रभु श्री राम हमारे अपनी अयोध्या नगरी में जो उनकी जन्मभूमि है। बस मैं आपसे एक इतना छोटा सा आग्रह करना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम तो हमारे आ गए हैं, लेकिन उनके आदर्शों को, उनके व्यवहार को अपनी ज़िंदगी में ढालना ज़रूर। कुछ लोग राम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, कुछ लोग प्रभु श्री राम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम ने ना कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करा। सच कहूँ तो प्रभु श्री राम ने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा। आप अगर टीवी में आपने कभी रामायण देखी होगी या आपने कभी तुलसीदास जी की रामचरित मानस पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा रामायण में कि प्रभु श्री राम ने खुशी खुशी शबरी माता के झूठे बेर खा लिए थे। शबरी माता जो कि हमारी आदिवासी समुदाय से संबंध रखती थी, तो प्रभु श्री राम ने कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखा या किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखा। उन्होंने अपनी प्रजा को, उन्होंने सभी लोगों को एक समान नज़रिए से देखा और सबके लिए काम किया। क्या आज के समय में लोग वैसा कर रहे हैं? जो लोग प्रभु श्री राम के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, मैं उनसे एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करा। प्रभु श्री राम सबको साथ लेकर चले हैं, तो आप किसी एक वर्ग या एक समुदाय की वजह से प्रभु श्री राम से ईर्ष्या का भाव ना रखें। बस यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु श्री राम आप सभी की ज़िंदगी में सुख शांति दे, खुशहाली दे, तरक्की दे, बरकत दे, और ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में खुशियों का माहौल रहे, सुख शांति समृद्धि रहे। इसी के साथ आपसे अलविदा चाहता हूँ, मिलता हूँ अगले व्लॉग में एक नई जगह के साथ, एक नए आनंद के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। जय श्री राम।